हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू वो कस्टम कार। मैं हूं रूपेश और आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हमारे पास जो गाड़ी आया है ऑडी Q7, जिसमें हम प्रोजेक्टर लाइट अपग्रेड कर रहे हैं। सो फ्रेंड, इसमें कंपनी फिटेड प्रोजेक्टर लाइट क्या आता है और उसका आउटपुट कैसा है वो आपको दिखा देता हूँ। और इसमें जो हम प्रोजेक्टर लाइट अपग्रेड कर रहे हैं वो क्या कंपनी का रहने वाला है, उसका लाइट आउटपुट कैसे रहने वाला है, वो भी आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ऑडी Q7 हम इधर रोड में लेकर आए हैं ताकि इसका कंपनी फिटेड लाइट आउटपुट कितना आ रहा है वो आपको दिखाने के लिए, और इसमें हम जो लेंस अपग्रेड करेंगे उसका लाइट आउटपुट कैसे आएगा वो भी आपको चेकआउट करा देंगे। तो फर्स्ट ये गाड़ी को ड्राइव करके आपको इसका फाइनल आउटपुट दिखा देते हैं जो कंपनी फिटेड लेंस आता है। सो अभी ये सिर्फ लो बीम में है, लो बीम का फर्स्ट आउटपुट दिखाता हूँ, उसके बाद हाई बीम भी करके दिखाऊंगा। सो लाइट आउटपुट तो बहुत ही मतलब डल हो चुका है, लाइट बहुत ही कम आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये जस्ट लो बीम में है अभी। अभी हाई बीम आपको करके दिखाते हैं। सो ये हाई बीम आप देख सकते हैं, मतलब हाई बीम किया हुआ है बट मालूम नहीं पड़ रहा है हाई बीम हो के है कि नहीं हो के है, क्योंकि काफी लाइट इसका डल हो चुका है जो कंपनी फिटेड लेंस आता है। इसमें जो हम लेंस अपग्रेड कर रहे हैं वो हम लेंस क्या कंपनी का अपग्रेड कर रहे हैं वो आपको एक बार दिखा देंगे, और उसका लाइट आउटपुट कैसे आएगा वो भी आपको एक बार चेकआउट करा देंगे। सो फ्रेंड, कंपनी फिटेड जो लेंस आता है वो आपको दिखाता हूँ। ये हेडलाइट से हम रिमूव कर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं इसका लेंस। सो ये लेंस 3 इंच का आता है और ये क्लियर लेंस नहीं आता है, आप देख सकते हैं ये क्लियर लेंस नहीं है। और ये बाइजेनन प्रोजेक्टर है। इसमें बल्ब की बात करें तो 35 वाट्स का बल्ब आता है, D3 बल्ब का साइज है। सो ये कंपनी फिटेड प्रोजेक्टर है, इसको हम रिमूव कर चुके हैं। इसमें जो हम प्रोजेक्टर लाइट लगा रहे हैं वो आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या कंपनी का प्रोजेक्टर लाइट लगा रहे हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हेडलाइट में जो है हम बाई एलईडी विद लेजर प्रोजेक्टर लाइट अपग्रेड कर रहे हैं। इसमें हाई बीम लो बीम काम करेगा और लेजर लाइट भी काम करेगा। सो ये हम हेडलाइट में अपग्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, इसमें हम जो फॉग लाइट में प्रोजेक्टर लाइट लगा रहे हैं, हेडलाइट में तो 2 हम लगा ही रहे हैं, फॉग लाइट में भी 2 प्रोजेक्टर लगा रहे हैं। ये भी अपना प्रोजेक्टर आएगा IPH का, ये 3 इंच का लेंस आएगा, ये हम फिटिंग कर रहे हैं फॉग लाइट में, ये बाइजेनन प्रोजेक्टर है। इसमें का जो बल्ब आएगा आप देख सकते हैं H11 35 वाट्स 5500 केल्विन का हम बल्ब डालेंगे, और जो बलास्ट है बलास्ट हम विद कैनवस डालेंगे, क्योंकि विदाउट कैनवस डालेंगे तो लाइट वगैरह फ्लिकर होगा और परफेक्ट ऑन नहीं होगा, तो विद कैनवस ही डालेंगे हम बलास्ट। ये भी जो बलास्ट आएगा अपना 35 वाट्स का बलास्ट आएगा। सो फ्रेंड, ये चारों प्रोजेक्टर को मैं फिट करता हूँ, फिट होने के बाद ये कैसे दिख रहा है वो दिखा देता हूँ, और इसका लाइट आउटपुट कैसे आएगा वो भी आपको एक बार चेकआउट करा दूंगा। सो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं ऑडी Q7 का हेडलाइट। इसके अंदर जो है हम लेंस अपग्रेड कर चुके हैं, बाई एलईडी विथ लेजर लाइट फिटिंग हो चुका है। ये ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो DRL आता है कंपनी फिटेड, और फिटिंग करने के बाद ये आप देख सकते हैं डबल लेयर में सीलेंट डाल करके हेडलाइट को सील किया हूं, तो कुछ भी वाटर वगैरह लीकेज वगैरह नहीं होगा। एक हेडलाइट को जो है मैं गाड़ी में फिट कर चुका हूं, उसमें गैप वगैरह है कि नहीं है वो दिखा देता हूं, और फॉग लाइट में जो बाइजेनन प्रोजेक्टर में लगाया हूं उसका भी फिटमेंट आपको एक बार चेकआउट करा देता हूं। सो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं बाइजेनन जो प्रोजेक्टर अब फिटिंग किया हूं, इसमें अपग्रेड किया हूं, आप देख सकते हैं इसका फिटिंग। सो लो बीम और हाई बीम दोनों भी काम करेगा इसमें।
ये राइट साइड का प्रोजेक्टर आप देख सकते हैं, ये भी फिट हो चुका है, इसका रोटेशन अलाइनमेंट करना बाकी है। हेडलाइट आप देख सकते हैं, एक मैं राइट साइड वाला हेडलाइट फिट कर चुका हूं, इसका फिटिंग आप देख सकते हैं, तो गैप वगैरह कुछ भी नहीं है हेडलाइट में। और ये सीलेंट मैं आपको दिखाया ही था, डबल लेयर सीलेंट डाल करके हेडलाइट को सील किया हूं ताकि वाटर वगैरह कुछ भी लीकेज ना हो। सो फ्रेंड, ये शाम को रोटेशन अलाइनमेंट करने के लिए गाड़ी रेडी करना है हमको, ये फिटिंग तो कर दिया मगर इवनिंग को जो है इसका रोटेशन अलाइनमेंट मैं कैसे कर रहा हूँ फॉग लाइट प्रोजेक्टर का, और जो हेडलाइट में बाई एलईडी विथ लेजर लाइट प्रोजेक्टर लगाया हूँ इसका लाइट आउटपुट कैसे आ रहा है वो भी दिखा दूंगा, और फॉग लाइट का बाई जनरल प्रोजेक्टर का लाइट आउटपुट कैसे आ रहा है वो भी आपको एक बार चेकआउट करा दूंगा। सो फ्रेंड, हमारा फॉग लाइट का अलाइनमेंट कम्प्लीट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं लो बीम। अभी इसका हाई बीम करके आपको दिखाता हूं, लो बीम ऑन है, अभी हाई बीम आपको दिखा देता हूं इसका फॉग लाइट का। सो हाई बीम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से काम कर रहा है। अभी फ्रेंड, जो फॉग लाइट में बाई जनरल में प्रोजेक्टर लगाया हूं इसका फाइनल आउटपुट आपको गाड़ी ड्राइव करके मैं दिखा देता हूँ कि फाइनल आउटपुट कैसे आ रहा है, और उसके बाद हेडलाइट का भी चेकआउट करा दूंगा आपको। तो अभी सिर्फ लो बीम ऑन है फॉग लाइट का, इसका फाइनल आउटपुट आप देख सकते हैं। अभी इसका हाई बीम ऑन करता हूं, सो ये हाई बीम। सो फॉग लाइट को हेडलाइट के साथ में ही कनेक्ट किया हूं तो हेडलाइट का भी हाई बीम दिख रहा होगा आपको। तो फ्रेंड, लाइट आउटपुट तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, जो फॉग लाइट में मैं बाई जेनॉन प्रोजेक्टर लाइट अपग्रेड किया हूं, ये आप देख सकते हैं लो बीम इसका। अभी हेडलाइट भी ऑन करता हूं, हेडलाइट का भी लो बीम और फॉग लाइट का भी लो बीम दोनों कैसे आ रहा है वो आपको दिखा देता हूं। सो ये आप देख सकते हैं हेडलाइट का भी लो बीम ऑन हो चुका है और लाइट आउटपुट तो मतलब बहुत ही जबरदस्त आ रहा है इसमें। कटअप वगैरह भी शार्प है, क्लीन है, ऐसा नहीं है कि कटअप वगैरह अप एंड डाउन है। नेक्स्ट फ्रेंड, इसका फॉग लाइट को ऑफ करता हूं, ये फॉग लाइट ऑफ हो गया है, सिर्फ हेडलाइट ऑन है लो बीम। सो फ्रेंड, ओरिजिनल जो अपना प्रोजेक्टर लाइट आता है जो मैं निकाल चुका हूं, वो प्रोजेक्टर लाइट के साथ जो इसमें मोटर एडजस्टमेंट काम कर रहा है सेम ये प्रोजेक्टर लाइट में अपग्रेड किया हूं बाई एलईडी विथ लेजर लाइट, ये प्रोजेक्टर लाइट के साथ मोटर एडजस्टमेंट काम कर रहा है कि नहीं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं। सो अभी करते हैं कार को ऑफ। ये आप देख सकते हैं जो कंपनी फिटेड मोटर आता है वो भी परफेक्ट काम कर रहा है, ये जो मैं बाई एलईडी विथ लेजर लाइट प्रोजेक्टर लगाया हूं इसके साथ, और कटअप वगैरह भी क्लीन से है, शार्प है, आप देख सकते हैं।
अभी चारों भी प्रोजेक्टर का लो बीम हाई बीम मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। सो ये सिर्फ अभी हेडलाइट है, हेडलाइट का मैं फर्स्ट दिखा देता हूँ आपको आउटपुट, जो बाई एलईडी विथ लेजर लाइट मैं लगाया हूँ। सो ये आप हेडलाइट का सिर्फ लो बीम देख सकते हैं, अभी इसका हाई बीम दिखाता हूँ। सो ये हाई बीम, सो लो एंड हाई दोनों भी परफेक्ट काम कर रहा है। अभी फोगलाइट भी प्रोजेक्टर ऑन करता हूँ और चारों लो बीम और चारों हाई बीम कैसे आ रहा है वो आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड, फोगलाइट भी प्रोजेक्टर ऑन हो चुका है, अभी चारों लो बीम में है, अभी हाई बीम करता हूँ। सो ये हाई बीम, फुटपाथ वगैरह भी नीट से दिख रहा है और लाइट आउटपुट तो बहुत ही मतलब जबरदस्त आ रहा है। सो फ्रेंड, ये ऑडी Q7 में जो मैं लाइट प्रोजेक्टर लाइट अपग्रेड किया, ये फिटिंग आपको कैसा लगा, स्पेशली इसका ब्राइटनेस लाइट आउटपुट का कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम जो भी गाड़ी का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड, अभी करते हैं वीडियो को एंड, नेक्स्ट मुलाकात होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Audio Jungle.